भारतीय हुकूमत ने खेती कानून रद्द करने का ऐलान किया जी, तो जित दे दमगजे ते नाल ही किसानी संघर्ष के 700 तो वध कुरबानी। तो जो असी हुण इत्थे गिद्दे भंगड़े पैंदे देखते हाँ तो नाल ही साडियां अखां अगे वह भी चेहरे आ जाते हैं जो असी लाशां इत्थों ले जांदियां देखियां है। सानू तो सस्तियां नहीं मिली, साडा इतिहास सानू इह दसदा है कि असी बहुत वड्डियां कुरबानियां कीतियां जित्तां हासिल कर पाए। जिस तरह नवरीत की शहादत हुई सी और जिस तरह स्टेज पर मैं खड़ के इन्हां नूं आवाजां मारियां भी आओ भाई ये हुण ये जिहड़ी ये अमानत है मोर्चे की संघर्ष मोर्चे की कि अपनी अमानत नूं संभालो। साढ़े परिवार का तो हुण साढ़े परिवार का जीत तो चला गया पर हुण ये संघर्ष की अमानत आ लीडर आण के इहनूं संभालो। कोई वारस नहीं बनया जी, वारस बनने की बजाय इतों तक कि मुकर ही गया कि सानूं पता ही नहीं गा। राजेवाल साहब नूं सवाल किया भी चार दिन बाद जो सारी दुनिया नूं पता सीगा भी जिहड़ा उत्थे नौजवान शहीद होया उहदे बारे तुसीं की कहणा, कहिंदा जी मेरी जानकारी। पर 26 जनवरी की घटना तो बाद जिहड़ा हालात जिहड़े बने और जिस तरह का रोल साडे किसान आगूआं दा वो बहुत ही निराशाजनक सीगा और लाल किले से झंडा लहराउण जिस तरह इन्हां ने उहनूं बहुत वड्डा इशू बना के जिवें इस उत्ते बाहां रख रख के रोए, वो कामरेड रोंदे तो सानूं गल समझ आउंदी सी पर जिहड़े कातरे पाई फिरदे उत्तों दी उन्हां ने कामरेडां नूं उत्तों दी वध-वध के जिहड़ियां स्टेजां ते स्पीचां दित्तियां वो साडे रड़क भी जे सतपाल मलिक ये गल कहिंदा है भी लाल किले ते निशान साहब चढ़ाउण दा जे प्रधानमंत्री तो बाद किसी तो अधिकार हैगा तो वह सिखां नूं है, ये सच भी है। लाल किले दे उत्ते साडे बापू का सिर वड के लग्गिया है, देश ने पहली बारी सिखां नूं सिखां दे सही अक्ष दे विच वेख्या भी सानूं तो बदनाम ही इन्ना कीता गया सी, अतवादी वक्खवादी खालिस्तानी सारे इल्जाम साडे ते इन्हां ने लाए, हुण भी लाउण दी कोशिश कीती पर जिवें सिखां नूं डिफेंड किया गैर सिखां ने उन्होंने साडा जदों साडा रोल वेख्या ना उन्होंने उन्होंने समझा भी सानूं तो गुमराह किया गया। उन्हां दे मूहों ये गल कहनी कि जे ये खालिस्तानी है तो उस तो पहला असीं खालिस्तानी ते छोटी जित सी कि सिखां दी, हालांकि ये जित बहुत सारे लोगों नूं हाजम नहीं सी आउंदी जिहड़े पंथ दुश्मन ताकत उन्हां नूं किवें हाजम आ जावे भी जिन्हां नूं असीं वारी वारी मारदे हाँ कुटदे हाँ नशियां 'च मदोलदे हाँ असीं समझदे हाँ मर गए हुण नहीं उठदे ये फिर उठ जाते हैं, पर क्योंकि साढ़े सानू तो गुरती महाराज जी यह शुरू होया उदों भी बोले से उन्हें हाल के चकारे कि जाके शुरू होया बार्डर जोड़े है बैरीकेड तोड़ते निहंग सिंह बाकी पंजाब के नौजवान हरियाणे के नौजवान सारे आए हैं। तो मोदी हुकूमत का प्रकाश उत्सव वाले दिन ये मोर्चे को जोड़ा कि जित का सिरा देना वो गुरु नानक महाराज के प्रकाश उत्सव वाले दिन इन्हें की मायने सीधे तौर पर अं देख सकते हैं कि सिखां दे नाल बिगाड़ना नहीं चाहते। जो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन से इस अंदोलन के काले कानून जोड़े जोड़े उन्होंने वापस लेंदा है और देश तो माफ़ी मांगता है, पर मेरा यह मानना है कि कौम की बहुत वड्डी जित है, कौम के उत्ते महाराज की बहुत वड्डी बख्शिश हुई है कि उन्हें सिख कौम नाल समझौता किया, किसी कामरेडा नाल नहीं किया, किसी किसान आगुआ नाल नहीं किया, उन्हें किसी नहीं इन्हों आवाज नहीं मारी तो वह सीधा जो साडी कौम नूं मुखातब हुंदा है तो कौम के झोली विच जित पाउंदा है तो कौम नूं यह जित स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो टकैत साहब MSP लई लड़न आ कामरेड लाणा जिहड़ा सिखां दा दुश्मन हमेशा रहा ये लड़न इत्थे बह के, मैं तो इन्हां नूं कहूँगा भी साडे मगर ना भज्जिओ जे कि असीं तां जाणा असीं जे जित के साडी जित जिहड़ी आ प्रधानमंत्री ने साडी झोली च पाती दुनिया ने सानूं तसलीम कर लिया, तुसीं सानूं तसलीम नहीं किया, तुसीं सारी कोशिश स्टेजां ते तुहाडी रही सानूं मनफी करन दी ते असीं तां आपदी जित सानूं महाराज ने बख्शी ते मोदी वर्गे जिहड़ा जिन्ने सारे देश दे विच हाहाकार मचाई होई सी उस बंदे नूं गल समझ आ गई है ते असीं आपदी जित लै के इस ते जावांगे जित लै के ढोल वजाउंदे जावांगे ते तुसीं भाई हुण वेख लो तुसीं की करना तुसीं MSP दी लड़ाई लड़ लिओ नाले जिहड़े तुसीं कहिंदे सी ना सद्दी ना बुलाई ते जे उह तां फिर चले जाणगे हुण जिहड़े तुसीं नहीं सी सद्दे ना ते हुण तुसीं ला लिओ लंगर इत्थे ठीक है ना ला लिओ मोर्चे असीं भी वेखांगे तुहाडा दमखम असीं ते वेखणा। मोदी हुकूमत ने पास किए खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कर दिता है, किसान लीडर जित दे दमगजे मार रहे ने, जिहड़े लोगों ने किसान संघर्ष के अपन दिया जाना गवाइया शहीदियां दित्तियां कुरबानियां दित्तियां वो भी इस संघर्ष की जिहड़ी कि फतेह होण ते वो खुश ने और नाल ही जिहड़े उन्हां दे अपने चले गए
उन्होंने याद कर रहे हैं। साढ़े नाल एक अजिही शख्सियत है जिन्होंने अपने जवान पोतरे इस संघर्ष के कुरबान होने वास्ते तोरिया सी और उन्हें गोली मार के दिल्ली पुलिस ने उन्होंने शहीद किया। बापू हरदीप सिंह डिबडबा साढ़े नाल मौजूद ने। बापू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भारतीय हुकूमत ने खेती कानून रद्द करने का ऐलान किया जी, तो जो असी हुण इत्थे गिद्दे भंगड़े पेंदे देखते हाँ तो नाल ही साडियां अखां अगे वह भी चेहरे आ जाते हैं जो असी लाशां इत्थों ले जांदियां देखियां हैगियां, जो असी मातावां बीबियां रोंदियां देखियां अपणियां नूं, और असी नवरीत सिंह दे गोली वज्जी देखी आ, उहदे सिर दे विच होया मोहरा जिहड़ा कन्न दे कोल सी उह देखिया, लखीमपुर दे विच कुचले गए किसानां दीआं लाशां वेखियां, तां जित दे दमगज़े ते नाल ही किसानी संघर्ष दे विच 700 तों वध कुरबानियां और भारतीय हुकूमत का माफ़ी मंग के कानून वापस करन दा ऐलान, तुसीं इहनूं सारे वृतांत नूं किवें देखदे? देखो असी तो हमेशा ही महंगे मुल लिया ने जित्तां जिहड़ियां सिख कौम ने, तो सानू तो सस्तियां ने मिलियां। साडा इतिहास सानू यह दसदा है कि असी बहुत वड्डियां कुरबानियां कीतियां जित्तां हासिल करन वास्ते। ये मोर्चा बेशक किसानां दे तीन काले कानूनां नू लैके लग्गिया सीगा खिलाफ जिहड़ा, पर इस मोर्चे दे पिछे जिहड़ा सारा संघर्ष सीगा, जे आपां उहनूं सारे संघर्ष नूं अड रख के इस मोर्चे को वेखते हैं तो फिर असी गलत सोचिए, क्योंकि ये संघर्ष जिहड़ा पिछले सारे संघर्षों की वो एक तरह की कड़ी सी जिहड़ी अज इत्थे तक आ के पहुँचा, और उ जज्बे से उ जज्बात से नौजवानों के किसानों के सिंघां दे विच जिहड़ा इस संघर्ष को इस मुकाम ते लैके गया, और जिहड़े किसान आगू जिहड़े संघर्ष के मोहरी सीगे बेशक उन्हां दा जिहड़ा सीगा ऐलान सीगा भी सानू जिथे बिठाउणगे असी उत्थे बह जाएंगे, पर पिछे जज्बियां दा हड़ इन्ना जबरदस्त सीगा भी किसान आगूआं नूं भी मजबूरी नूं इन्हां दे मंगर आउणा पिया, पर फिर भी शाबाशी नौजवानां दे उन्हां नूं मंगर आया नूं भी इन्हां ने इन्हां नूं माण दित्ता, इन्हां नूं स्टेजां ते फिर उस तरह अगे बिठाया। पर 26 जनवरी की घटना तो बाद जिहड़ा हालात जिहड़े बने और जिस तरह का रोल साडे किसान आगूआं दा रहा वो बहुत ही निराशाजनक सीगा, और जिस तरह साडे लाल किले ते झंडा लहराउण नूं जिस तरह इन्हां ने उन्हूं बहुत वड्डा इशू बना के जिवें इस उत्ते बाहां रख रख के रोए, वो कामरेड रोंदे तो सानूं गल समझ आउंदी सी, पर जिहड़े गात्रे पाई फिरदे उत्तों दी उन्हां ने कामरेडां नूं उत्तों दी वध वध के जिहड़ियां स्टेजां ते स्पीचां दित्तियां उह साडे रड़कदियां ने वी इन्हां दी काल सीगी वी असीं 26 जनवरी नूं लाल किले ते जाणा, ते तुहाडी काल ते नौजवानां ने अपने सिर हत्थां ते तली ते रख के तुहाडी काल फिर पगाई, तुहाडा माण रख्या, तुहानूं लाल किले ते लैके गए ते तुसीं उन्हां नूं लावारस छड्ड दित्ता, तुसीं कहा साडे है ही नहीं, उन्होंने मुकदमे अपने आप भुगते। हुण नवरीत दे जिस तरह नवरीत की शहादत होई सी और जिस तरह स्टेज पर मैं खड़ के इन्हां नूं आवाजां मारियां भी आओ भाई ये हुण ये जिहड़ी ये अमानत है मोर्चे की संघर्ष मोर्चे की, तो अपनी अमानत नूं संभालो, साडे परिवार का तो हुण साडे परिवार का जीत चला गया पर हुण ये संघर्ष की अमानत आ, तो लीडर आण के इहनूं संभालण कोई वारस नहीं बनिया जी, वारस बनने की बजाय इतों तक कि मुकर ही गया कि सानूं पता ही नहीं गा जी। राजेवाल साहब नूं सवाल किया भी चार दिन बाद जो सारी दुनिया नूं पता सीगा भी जिहड़ा उत्थे नौजवान शहीद होया उहदे बारे तुसीं की कहना, कहिंदा जी मेरी जानकारी च नहीं है, मैंने एड्डा वड्डा झूठ भी जिहड़ा वो आने वाले समय किवें ये उन्हां सवालों के जवाब देने देंदे ने, देने तो पैने ने क्योंकि इतिहास ने भी मंगने ने लोगों ने भी मंगने ने। पर मैं फिर भी समझदा कि नरेंद्र मोदी ने भावें जो मर्जी आपां कहीए उहदा इतिहास ये दसदा है कि उहने कदी पिछे मुड़ के नहीं वेखे, जिहड़े कदम उहने अगे वधाए वापस नहीं लाए, और मैं समझदा कि अकाल पुरख की बहुत वड्डी बख्शिश है कि नरेंद्र मोदी के अमोड़ घोड़े की लगाम जिहड़ी आ पंथ ने खालसे ने फड़ी, क्योंकि जो मर्जी कही जाण कामरेड है किसानों का संघर्ष है किसी धर्मों का संघर्ष नहीं गा, पर दुनिया ने इहनूं सिखां दा संघर्ष दे वजों तस्लीम किया और उस ते मोहर लाई है हुण नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री ने। जदों गुरु नानक देव जी के जन्मदिन से इस अंदोलन के काले कानून जिहड़े जिहड़े उन्होंने वापस लेंदा है और देश तो माफ़ी मंगदा है तो वह एड्रैस किन्नू हुंदा है, वह सिख कौम नूं एड्रैस हुंदा ना, हुण इह सारियां चीज़ां दे सवाल इतिहास भी इन्हां तों पुछ लेगा और इन्हां नूं देने भी पैणगे। पर मेरा यह मानना है कि एक कौम की बहुत वड्डी जित है, कौम के उत्ते महाराज की बहुत वड्डी बख्शिश हुई है, शहादतां ते साडा इतिहास है, सानू शहादतों तो बगैर कदी कुछ नहीं मिलिया भी असी तो हमेशा मुल तार के फिर हासिल किया, इत्थे भी मुल तारिया है, चलो असी मुल तारिया सी ते असी हासिल किया, तो जिहड़ा असी हासिल किया है हुण कौम नूं वो अपना हासिल जिहड़ा ना लैके जे इह 30 तरीक नूं उत्थे बिल पार्लीमेंट च रद्द कर दिंदा लिखती तौर पर तो पंथ नूं वापस चले जाना चाहिए।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਡਿਬਡਬਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਥਿੜਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡ ਥਿੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਗਰ ਕਿਸ਼ਹਿਰੇ ਟੰਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਹੀ ਅਧਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਚਿਕਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਿਰਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਖੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ,
तस्वीर देखता है, लंगर चल रहे हैं, इतने कीर्तन चल रहे हैं, दाल फुलका प्रशा वरताया जा रहा, बदम छकाए जा रहे, तो सब कुछ तो सिख सिद्धांत के आता ना। तो बोले सोने हाल के जिकारे लाए जा रहे हैं, लाल किले से जाके केसरी निशान साहब चलाए जा रहे, ये जज्बा जोड़ा है सिखी रौह रीतान चो निकलिया होया। पंजाब की बापू जी जी देखिया पंजाब का प्रभाव वो विश्व पद्धर के उत्ते काफ़ी बदनाम जहा पिछले लगभग डेढ़ दहाके की असी गल करिए, दो दहाकों की गल करिए हो गया सीगा। सियासी लोग जोड़े आ वह भी राष्ट्र के रंग रंगे जा रहे थे, सिखां दे जोड़े लीडर आ वह संघर्ष शुरू करते पर अध विचाले छड़ के जोड़े आ नस जाते, थक जाते, विक जाते, झुक जाते, लुक जाते, कुछ कुर्बान भी हो जाते। तो उन्हां दो दहाकों के जो पंजाब का अक्स धुंधला हो रहा जापदा सी, पंजाब दे विच चिट्टा जिहड़ा हैगा मुछ नहीं सी अजे फुटदी हुंदी मुंडियां नूं, तो वो चिट्टे दे आदी सी, कुड़ियां पढ़न वालियां पंजाब दियां सिखां दियां धीआं जिहड़ियां नशियां दियां आदी सी। तां इस संघर्ष दे विच पंजाब ने मोहरी भूमिका निभाई है, तां सिक्खी दा संघर्ष बन गया, क्योंकि पंजाब सिक्खी दी बुनियाद आ, पंजाब ते सिक्खी दी जन्म भूमि आ। तो उत्थों पंजाब चों तुरिया संघर्ष, हरियाणे नाल साडे संबंध ठीक नहीं सी, हरियाणे ने भरा बन के साथ दिता, हरियाणवी सज्जन बहुत सारे हिंदू सज्जन सिख सज्जन बहुत प्यार उन्हां वल्लों जिहड़ा किसान संघर्ष नूं मिलिया, फिर यूपी आ गया, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सब कुछ आ गया। तो पंजाब नूं इस संघर्ष का वह जिदा कह लो भी अपना रूप सुधारन दे विच और लोगों के सामने प्रचारन दे विच किड्डा सोहना मौका सी, पंजाब ने किड्डी वड्डी प्राप्ति जिहड़ी आ बिना किसी वड्डे इमानदार चेहरे तो मैनूं जापदा जिहड़ा प्रो पंजाब होवे पंजाब पक्षी होवे कीती किड्डी वड्डी प्राप्ति पंजाब। मैं तो पहले दिनों ही जदों मैं इस संघर्ष नूं वेख्या सी ना, मेरियां पहलियां स्टेटमेंटां ही ये सी भी देश ने पहली बारी सिखां नूं सिखां दे सही अक्ष दे विच वेख्या, भी सानूं तो बदनाम ही इन्ना कीता गया सी, अतवादी वक्खवादी खालिस्तानी सारे इल्जाम साढ़े ते इन्हां ने लाए, हुण भी लाउण दी कोशिश कीती, पर जिवें सिखां नूं डिफेंड कीता गैर सिखां ने, उन्होंने साडा जदों साडा रोल वेख्या ना, उन्होंने उन्होंने समझा भी सानू तो गुमराह किया गया, उन्होंने मूहों ये गल कहनी कि जे ये खालिस्तानी है तो उस तो पहला असी खालिस्तानी, तो छोटी जित सी कि सिखां दी। अज मैं कहिंदा सीगा भी ये सब तो वड्डी साडी प्राप्ति शुरू विच ही हैगी आ, भी दुनिया ने दुनिया दे विच इस अंदोलन की अगवाई पंजाब ने की और खासकर सिखां ने की, और पहला देश ने इस अगवाई नू सिखां दी कबूल किया तो फिर दुनिया ने सिखां दी अगवाई नू कबूल किया, ये साड़ी बहुत वड्डी जित सी। हालांकि ये जित बहुत सारे लोगों नू हजम नहीं सी आउंदी, जिहड़े पंथ दुश्मन ताकत उन्हां नू किवें हजम आ जाए, भी जिन्हां नू असी वारी वारी मारदे आ कुटदे आ नशियां च मदोलदे आ असी समझदे आ मर गए हुण नहीं उठदे, ये फिर उठ जांदे ने, पर क्योंकि साडे सानू तो गुरती महाराज दी इहो जी आ भी असी तो साडी तां मौत चों जिंदगी सानू मिलदी आ, तो जदों असी बिल्कुल सानू ये मार दिंदे ने सानू नवीं जिंदगी मिलती है, क्योंकि खालसा प्रगटियो परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, तो फिर इनू कौन मार सकता। पर यह होया पहली बारी आ कि दुनिया ने सिखां नू सही रूप दे विच स्वीकार किया और वेख्या, खासकर करोना काल दे विच जिहड़ी सिखां दी सेवा है उसने दुनिया के सामने सिखां दा किरदार जिहड़ा ना वो बहुत वड्डा करके पेश किया। हालांकि इस तो पहला भी साड़ी खालसा एड की जी दुनिया के उन्हों की सेवा उन्होंने भी लोगों ने बहुत नेड़ों होकर वेख्या सी। और मैं एक चीज़ होर कहांगा, असी अपने मूँह जो मर्जी कही जाइए पर जिहड़ी मोहर मेघालय के राज अपने गवर्नर ने गैर सिख ने सिखां दा पक्ष रखिया जिस तरीके, उस मैं समझदा भी जिहड़े साडे सिख आगू ने उन्हां नूं अपने अंदर झाती मारनी चाहिए भी जे गैर सिख हुंदिया होया मेघालय के अपने सतपाल मलिक नूं इह गल समझ आई तो सानू क्यों नहीं समझ आई भी इन्नियां कमजोरियां साडे विच क्यों क्यों सी कि असी अपनी जित नूं लोगों के सामने रख ही नहीं सके स्वीकार ही नहीं कर सके। असी जो जो आर एस एस बोली जो ब्राह्मणवाद के पढ़ाए हुए लोग बोले जो कामरेड बोले उही बोली असी बोले तो हुण इन्हां गल्लां दे जवाब तो इन्हां नूं देने पैणगे ना भी जे सतपाल मलिक ये गल कहिंदा है भी लाल किले ते निशान साहब चढ़ाउण दा जे प्रधानमंत्री तो बाद किसी तो अधिकार हैगा तो वह सिखां नूं है ये सच भी है लाल किले दे उत्ते साडे बापू का सिर वढ के लग्या है साडे बापू दी शहादत होई है तो जे लाल किला असी साडे तो सुपने विच भी लाल किला साडा दुश्मन रहा तो जदों भी साडे सानू मौका मिलता है तो असी लाल किला फतेह करन तुरे अज कोई पहली बार थोड़ी गए बड़ी बारी गए सी तैयार कि भी असी गए साडे जिहड़े जिहड़े सानू सिक्खी नूं समझदे ने गैर सिख ने उन्हां नूं ये गल समझ आ गई तो जिहड़े उत्तों दी गात्रे पा के सब विखाउंदे भी ने स्टेजां ते खड़ खड़ के भी मैनूं कहिंदे कामरेड मैं तां वेखो गात्रा पाया फिर उन्हां नूं ये गल क्यों नहीं समझ आई
उन्हां नूं साडी केसरी दस्तारां वी चुभदियां रहियां, साडे संतां दी तस्वीर वी बनैण ते चुभदी रही, साडा निहंग सिंह जथेबंदियां इत्थे बैठियां ओह वी उन्हां नूं चुभदियां रहियां। ते हुण आप अंदर बहि के विचार ते करन ना हो वी उह कित्थे गलत सीगे, क्योंकि ये समझा दिता है मोदी ने इन्हां नूं वी इह जिहड़ा संघर्ष इह सिखां दा सीगा ते गल सिखां नाल ही निबड़नी सी, मैं सिखां नाल नबेड़ ली। इन्हां दी उन्हें किसी ने बात नहीं पुछी, ना इन्हां नूं उन्हें आवाज़ मारी, ना इन्हां दी सलाह पुछी। हुण आपे आपस विच बह के एक दूजे नूं वधाइयां दे लैण। बिल्कुल, तो यह भी बापू हरदीप सिंह दी गल्लां कई कौड़ियां भी लगियां पर यह सच आ। तो एक मैं जंद जंद पुछना चाहुंदा, खेती कानून तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिता रद्द होणगे, असी वापस लै ले, माफ़ी भी मंगी उन्होंने गुरु नानक महाराज के प्रकाश दिहाड़े दिन। एम एस पी का जिहड़ा कि मंग की जा रही है हुण राकेश टकैत वालों, उग्राहा वालों, राज्यवाल वालों, कहिंदे भी जिन्ना चिर एम एस पी नहीं मिलती असी उन्ना चिर इत्थों नहीं जावांगे, टकैत दा बयान हैगा। इहनूं तुसीं किवें लैंदे हो भी खेती कानून तिन्ने खेती पहलां गल ठीक है, एम एस पी भी बहुत वड्डी मंग है, किसानों की मंग बहुत वड्डी, कामरेड जथेबंदी की मंग है, किसान जथेबंदी की मंग आ, तो पंथ के सामने ही वड्डी गल सी भी तिन्ने खेती कानून रद्द होण, जां खेती कानून रद्द होणगे जां साडियां लाशां जाणगियां, कानून रद्द हो गया। तो इहनूं किवें लैंदे हो भी जे मान लो आने वाले समय के सरकार एम एस पी के उत्ते अजे अड़ जाती है, वह नहीं देंदी, तो कि यह संघर्ष अगे चलता रहना चाहिए जां चलता रहेगा, जां ये इत्थे ही जिहड़ा कि फतेह हो जाना चाहिए और एम एस पी की जिहड़ी लड़ाई हैगी वापस जाके जिहड़ा वो लड़नी चाहिए। क्यों देखो सब तो वड्डी गल है भी इन्हों पंथ की जित हजम नहीं आती, ये हले भी लत्तां अड़ाउंदे आ भी जिहड़े पंथ ने ढोल वजा के जाना ना 30 तरीक नूं जां 1-2 तरीक नूं उहनूं किवें ना किवें इत्थे इत्थे रोल गदोल कीता जावे, पर यह होना नहीं। एम एस पी साडी नहीं कल्यां दी लड़ाई, एम एस पी क्योंकि जिहड़ियां नैशनल पार्टियां ने जिवें कामरेड एक नैशनल पार्टी आ, जां अपना टकैत साहब बहुत वड्डी एक उहनां इस मोर्चे दे विच्चों, हालांकि सरकार ने एक मैं ये समझदा भी जे साडे बंदिया नूं ते गोदी मीडिया कितें नेड़े नहीं फटकन दिंदा, ते टकैत साहब दीआं 3-3, 4-4 इंटरव्यू गोदी मीडिया ते हुंदियां ते लोकां नूं गलत समझ आउंदी आ, ते टकैत साहब एम एस पी लई लड़न, आ कामरेड लाणा जिहड़ा सिखां दा दुश्मन हमेशा रहा इह लड़न इत्थे बहि के, मैं तां इहनां नूं कहूंगा भी साडे मगर ना भज्जिआ जाए हुण, भी असीं तां जाणा असीं ते जित के साडी जित जिहड़ी आ प्रधानमंत्री ने साडी झोली 'च पाती, दुनिया ने सानूं तसलीम कर लिया, तुसीं सानूं तसलीम नहीं कीता, तुसीं सारी कोशिश स्टेजां ते तुहाडी रही सानूं मनफी करन दी, ते असीं ते आपदी जित सानूं महाराज ने बख्शी, ते मोदी वर्गे जिहड़ा जिन्ने सारे देश दे विच हाहाकार मचाई होई सीगी उस बंदे नूं गल समझ आ गई है, ते असीं आपदी जित लै के इस 'च जावांगे, जित लै के ढोल वजाउंदे जावांगे, ते तुसीं भाई हुण वेख लो तुसीं की करना, तुसीं एम एस पी दी लड़ाई लड़ लिओ, नाले जिहड़े तुसीं कहिंदे सी ना सद्दी ना बुलाई, ते जे उह ते फिर चले जाणगे हुण जिहड़े तुसीं नहीं सी सद्दे, तां तो हुण तुसीं ला लिओ लंगर इत्थे ठीक है ना, तो ला लिओ मोर्चे, असीं भी वेखांगे तुहाडा दम खम, असीं तो वेखना चाहुंदे आ, जे तुसीं साडा दम परखिया है तो असीं भी तो वेखांगे ना तुहाडे 'च किन्ना क दम आ, तुसीं एम एस पी दी लड़ाई लड़ो, जे एम एस पी लै के दो देश नूं, असीं कोई तुहाडे दुश्मन थोड़ी हाँ, तुहाडे वर्गे थोड़ी हाँ, असीं जे जिद्दन तुसीं एम एस पी देश नूं लै के दोगे ना, असीं तुहानूं सब तों पहलां आ के तुहाडे गलां 'च हार भी पावांगे, तुहानूं लड्डू भी खवावांगे, वधाइयां भी देवांगे। तां इह सन बापू हरदीप सिंह डिबडबा, उन्होंने कहा कि मोर्चा जिहड़ा हैगा वो जिस तरह के पूरी विश्व दे विच पूरी दुनिया दे विच पहला देश दे विच जिहड़े गैर पंजाबी है गैर सिख है जिन्हां ने असल च पंजाब नहीं सी वेख्या, जिन्हां ने फिल्मां आल आउट दा पंजाब ही देखिया, जिन्हां ने यही देखिया सी पंजाब दे लोक कल्ले ड्राइवर ही हुंदे आ जां कल्ला मतलब कि होटलों के गेट खोलण वाले ही हुंदे आ, फिल्मां दे विच जिहड़ा बॉलीवुड दिखाउंदा रहा ना, पर असल पंजाब उन्होंने उदों देखिया भी ये बहुत बहादुर लोग आ बहुत हिम्मती लोग आ, जो पंजाब तुरिया पंजाब का छोटा भाई हरियाणा तुरिया, फिर बाकी राज्यों ने भी हिम्मत की, भारतीय हुकूमत का जिहड़ा एक क्रूर जिहा चेहरा सी, एक हुकूमत का सख्त जिहा चेहरा सी, उहदे खिलाफ हिम्मत विखाई, थोड़ी थोड़ी दिखाई, बहुती विखाई, फिर अखीर नूं आके खुल के नित रहा भी हुण ठीक है ये लड़े आ ते साडा साथ देणगे, उन्हां राज्यां दे विच बैठे हुए जिहड़े पंजाब दे लोक सी सिख सी उन्होंने उन्होंने कहा भी आपां भी तुरीए, पंजाब बैठा सड़कां दे उत्ते, आपां भी दिल्ली नूं घेरीए, फिर यूपी वाले पासों भी आ गए बाकी पासों भी आ गए, तां किसान संघर्ष दा विश्व दे विच इह सोहणा रूप गिआ भी किस तरह पंजाब ने अगवाई करके बाकियां नाल तुरिया, और किसान संघर्ष दे विच
हर धर्मां कौमां दे लोकां ने बहुत सोहना योगदान पाया और लोगों की जिहड़ी सांझीवालता दे विच्चों निकलिया होया प्यार दा सुनेहा वह दुनिया के सामने गया कि किस तरह लोग इकट्ठे रह के लड़ सकते हैं, जित सकते हैं, हकूमत नूं दस सकते हैं। जिहड़ा RSS दा हिंदूतवा सोच आ उहनूं दस्या कि असीं किस तरह रल मिल के संघर्ष करते हैं। आने वाला समा दसेगा कि किसान लीडर MSP के उत्ते अड़ जाणगे कि भारतीय हुकूमत MSP भी ये खेती कानून रद्द होने के समय जदों विधानसभा दे विच जिहड़ा कि सरद रुत दा इजलास हैगा आ रहा उदों जदों कानून रद्द होने की कानूनी प्रक्रिया जी है लिखित तौर पर जी वो चलेगी कार्रवाई तो उदों MSP भी दी जाऊगी ज नहीं दी जाऊगी। जे नहीं दी जाऊगी तो किसान लीडर वो अड़े रहेंगे जां तीन कानून रद्द होने का ही जिहड़ा हैगा उहनूं प्रवान करके इत्थों जिहड़ा मोर्चा पुट लै जाऊगा आने वाला समा दसेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बापू जी तुसीं सानूं समा कढ़िया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।